नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है PHP Tech Life। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है सिंपल Ajax Codeigniter CRUD एप्लीकेशन इन हिंदी। और लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने क्रिएट वाला सेक्शन है वो पूरा कवर किया था, और आज हम लोग जो है अपना ये जो लिस्टिंग वाला सेक्शन है जहाँ हम रिकॉर्ड्स की लिस्टिंग करेंगे उसको कवर करेंगे। तो अभी जिसे आप ये हम लोग जो वर्किंग वाला प्रोजेक्ट है इसमें आप देख सकते हैं रिकॉर्ड्स की लिस्टिंग नहीं हो रही है, और पर हम लोगों ने डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को सेव कर लिया है। तो हम लोग इन रिकॉर्ड्स को जो है ना यहाँ पर लिस्ट करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 18 स्टेप्स इसमें इंक्लूड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज़ इंडेक्स फंक्शन ऑफ कार मॉडल कंट्रोलर, क्रिएट ऑल मेथड इन कार मॉडल डॉट पी एच पी मॉडल विच विल फेच ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कार मॉडल्स टेबल। हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्स वाला जो मेथड है कार मॉडल का, इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार मॉडल्स वाला जो मॉडल है वहाँ पर एक ऑल नाम का एक मेथड बनाएंगे। वो क्या करेगा कि डेटाबेस से कार मॉडल्स के सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग को एक वेरिएबल में रिटर्न कर देगा। फिर उस मेथड को हम लोग अपने कंट्रोलर वाले मेथड में यानी कि इंडेक्स में उसको कॉल कर लेंगे उस फंक्शन को, जिसमें कि हम लोग को सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, और फिर हम लोग उस रिकॉर्ड्स को लिस्ट डॉट पी एच पी व्यू में पास कर देंगे, और फॉर ईच की मदद से हम लोग उसको वहाँ पर रिकॉर्ड्स को लिस्ट कर देंगे। तो ऑल वाला मेथड बना लेते हैं। दिस डीबी ऑर्डर बाई आईडी सेंडिंग सॉरी गेट टेबल का नेम कार मॉडल्स, फिर इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। और ये पूरा क्वेरी क्या प्रोड्यूस करेगी, वो पूरा इस तरह से होगा, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम कार मॉडल्स ऑर्डर बाई आईडी सेंडिंग। इस रिजल्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे। This method will return all records in all records from car models table। अब इसको हम लोग अपने इंडेक्स वाले मेथड में कॉल कर लेंगे। मेक श्योर आप लोग ये कार मॉडल है ना इसको जरूर लोड करा लें, ऐसा लिख लें ऊपर, नहीं तो फिर ये यहाँ पे चलेगा नहीं। और ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब इस रोज को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। नॉट एम्प्टी
पे फॉर ईच लगा लेते हैं, फॉर ईच रोज एज रो और ठीक है, और यहां पर कॉलम्स को लिस्ट कर देते हैं, इसको रो का सबसे पहला है आईडी, तो आईडी लिख दिया मैंने, फिर है हमारा नेम, नेम हो गया, फिर है हमारा कलर, कलर, फिर है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन हो गया, फिर है हमारा प्राइस, प्राइस, और फिर है क्रिएटेड डेट, तो क्रिएटेड डेटाबेस में नाम है क्रिएटेड एट, फिर है हमारा एडिट और डिलीट, तो एडिट के लिए मैंने बटन छोड़ दिया, सॉरी कॉलम छोड़ दिया, और डिलीट के लिए अभी फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए रिकॉर्ड्स लिस्ट होने लगे, अभी बटन लगा देते हैं यहाँ पर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड्स की लिस्टिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रिकॉर्ड्स हमारे लिस्ट होने लगे हैं। अगर स्टेप्स पे चलते हैं, इन दिस स्टेप वी विल पास ऑल डेटा टू लिस्ट डॉट पी एच पी व्यू टू लिस्ट रिकॉर्ड्स, ये आप लोग ने समझ ही गए होंगे। नाउ वी विल अगेन गो टू स्टेप 17, हम लोग दोबारा से 17 स्टेप पे जाएंगे, फॉर अपेंडिंग अ रिकॉर्ड इन करंट लिस्ट ऑफ कार मॉडल्स, हियर वी विल क्रिएट अ व्यू कॉल्ड कार रो डॉट व्यू पी एच पी इन एप्लीकेशन व्यूज कार मॉडल। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग, आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो होता क्या है कि वो तुरंत नीचे यहाँ पर अपेंड हो जाता है, ठीक है, मतलब पेज रिलोड नहीं होता है। एक बार आप देख लीजिए, डमी 1 2 3 मैंने यहाँ पे डाल दिया, कलर मैंने ग्रीन ले लिया और प्राइस मैंने ले लिया कुछ पैसा, तो आप देखना वहाँ पर बिना पेज रिलोड हुए देखिए ये डमी 1 2 3 अपेंड हो गया। तो सेम अभी हमारे केस में क्या होगा, हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो अपेंड नहीं होगा, उसके लिए मैं पेज रिलोड करेंगे तब जाके वो यहाँ पे दिखेगा आप। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को कि हम लोग जो अपना सेव मॉडल है मेथड है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और एक व्यू बनाएंगे कार्ड वो डॉट पी एच पी, ये व्यू तो सब आगे यूज़ होगा, वो भी आप जब देखोगे प्रोसेस तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आखिर इसको क्यों बनाया। तो एक व्यू बना लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने व्यू बना लिया यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेव मॉडल है, इसके बाद देखिए ये रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोगों को जो रिकॉर्ड लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसको ही यहाँ पर लिस्ट करना है, ठीक है। तो यही लाइन क्या करेगी, यहाँ से यहाँ तक का कोड रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट करेगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दिस, ये डीबी इंसर्ट आईडी, इंसर्ट आईडी या लास्ट आईडी एक बार देखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये दिस डीबी इंसर्ट आईडी क्या करेगा, जो ये रिकॉर्ड लास्ट वाला इंसर्ट हुआ होगा डेटाबेस में उसकी आईडी जो है वो रिटर्न कर देगा। तो अभी कार मॉडल में क्या होगा, ये यहाँ पर एक ही आईडी रिटर्न करेगा, मतलब अगर 10 वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है लेटेस्ट तो यहाँ पर 10 रिटर्न कर देगा, ओके।
तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो दिस व्यू कॉल कर लेंगे यहाँ पर, दिस डीबी व्यू, व्यू का नाम है हमारा कार मॉडल, कार मॉडल के अंदर सॉरी का ऐसा नहीं, कार मॉडल फोल्डर है और कार मॉडल के अंदर है कार रो, ओके। और इसमें हम लोग पास करेंगे, या पास करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं गेट रो नाम का, जो क्या करेगा एक रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा डेटाबेस से जो भी हम यहाँ पर पास कर देंगे, दिस डी बी गेट, टेबल का नाम हमारा हो गया रिजल्ट, ये पूरी स्टोरी आप देखोगे तो वो ये पूरी तरह से बनेगी, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम कार मॉडल्स वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो आईडी हम लोग यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। और रिजल्ट रो लिया, इसका मतलब क्या, रिजल्ट रो रो है, रिजल्ट रो नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पे होगा रो एरे, मतलब जो हमें, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड चाहिए क्योंकि, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर यूज करेंगे, दिस कार मॉडल गेट रो, और ये आईडी जो है ना, ये आईडी रिटर्न करेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रिकॉर्ड लास्ट वाला इंसर्ट हुआ होगा उसकी आईडी यहाँ पर रिटर्न कर देगा, तो ये आईडी यहाँ पर ही, और यही आईडी हम पास कर देंगे तो जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा उसी को वो फेच करके ला करके एक वेरिएबल में दे देगा, तो हमने उसको रो में ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको व्यू में यहाँ पर पास कर देंगे, वी डेटा नाम का ले लेते हैं, और चलर नाम ले लिया मैंने रो, और यहाँ पर ये मैंने पास कर दिया, और वी डेटा को मैं यहाँ पर मैंने ऐसे डाल दिया, और थर्ड पैरामीटर में हम लोग इसको लिख देंगे क्रू, तो ये हमें मिलेगा। अब ये रिटर्न ना करके एक वेरिएबल में पूरी ये पूरा व्यू जो है हमें पूरे वेरिएबल में मिल जाएगा, रो HTML, और इसको हम लोग यहाँ पर लिस्ट डाल देंगे रिस्पॉन्स में, एक बार आपको मैं इसको दिखा देता हूँ चला के नेटवर्क में, आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है डमी ग्रेड ले लिया, और प्राइस मैं कर भी दे देता हूँ, कुछ एरर आया यहाँ पर, ऑल अनडिफाइंड मेथड व्यू सॉरी डी वी मैंने लिख दिया यहाँ पर, दिस लोड व्यू का, फिर चलाता हूँ फिर इसको, तो अब यहाँ पर देखोगे रिस्पॉन्स में आपको दिखेगा, देखिए रिस्पॉन्स में स्टेटस नाम ले रखा है, गलत यहाँ पर रो नाम होगा, सॉरी फिर से एक बार दिखाता हूँ,
जैसा कि आप देख सकते हो वो अभी ब्लैंक है यहाँ पर। फिर वहाँ पर रो में मैंने अभी कुछ वहाँ पर नहीं लिया, इसलिए वहाँ पर रो जो है वो यहाँ पर ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पर कुछ दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस रो में क्या करेंगे, इस चार रो वाले व्यू में ये जो लिस्टिंग है ना, ये लिस्ट उठा करके वहाँ पर डाल देंगे। कैसे डालेंगे, देखिए ये पूरी चीज़ वहाँ पर हम लोग यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। देखिए रो जो है ना, रो तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पास कर दिया है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सारा का सारा यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ फिर से, तो आप लोग देखेंगे, देखिए ये रो में ये पूरा का पूरा जो लास्ट वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा ये वाला 15 वाला, तो देख सकते हैं आप 15 वाला यहाँ पर, यहाँ पर आ रहा था ये। ये देखिए 15 वाला यहाँ पर जो ये रिकॉर्ड आ रहा था। अभी हम क्या करेंगे, इस ये जेसन में हम लोग को मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे उस जेसन रिकॉर्ड को यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जेक्वेरी के थ्रू यहाँ पर अपेंड करा देंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, वो वैल्यू हम लोग को यहाँ पर रिस्पांस में, रिस्पांस के रो में मिल जाएगी। यहाँ पर ये हो गया फेल्ड और ये सक्सेस वाला हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर का नाम क्या है, यहाँ पर कार मॉडल लिस्ट, कार मॉडल लिस्ट डॉट HTML और HTML में हमारा हो जाएगा रिस्पॉन्स का रो, HTML नहीं सॉरी, यहाँ पर अपेंड होगा। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं, पहले नीचे वाले रिकॉर्ड से फालतू कहीं हटा देते हैं, थोड़ा सही नहीं लग रहा है ये, देखते हैं कि रिफ्रेश, बिना रिफ्रेश हुए रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड होता है कि नहीं। डमी कलर रेड मैनुअल ले लेता हूँ यहाँ पर टाइप, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रिकॉर्ड बिना पेज रिफ्रेश हुए अपेंड हो गया। अभी यहाँ पर INR नहीं आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर INR यहाँ पर लिख देते हैं, और एक काम हम लोग और यहाँ पे कर सकते हैं कि क्योंकि हम लोगों ने व्यू यहाँ पर बना ही लिया है, तो हम लोग ये व्यू और यहाँ वाला व्यू, ये जो इतना सेक्शन है कॉमन है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना व्यू ही कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा वो दोनों के लिए काम करेगा, दिस लोड व्यू कार मॉडल लिस्ट। ठीक है, सॉरी, हमारे व्यू का नाम जो है वो है कार रो। अनडिफाइंड वेरिएबल रो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो पास नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पर इसको बना करके पास कर देते हैं यहाँ पर रो और ये रो।
ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये चीज़ कॉमन हो गई, यहाँ पर भी चलेगी, मतलब ये कार वाला व्यू यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा, और यही कार वाला व्यू जब हमारा रिकॉर्ड यहाँ से हम जो क्रिएट से अपेंड कराएंगे तो उसके लिए भी काम में आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये एडिट वाला जो फीचर है वो करके दिखाऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए। इसलिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।